नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और अहम बैठक में सीएम जयराम ठाकुर इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है कई बड़े फैसलों को बैठक में। कोरोना पर मंथन होगा, स्कूल खोलने पर भी बैठक में फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक आज होने वाली है जिसकी अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर करेंगे और ऐसे में यहाँ पर कई फैसलों को मंजूरी मिल सकती है। इसमें कोरोना पर चर्चा होगी मुख्य रूप से और साथ ही साथ स्कूल खोलने को लेकर भी यहाँ पर कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। तो स्कूल खोलने और कोरोना, ये दो मुख्य विषय यहाँ पर चर्चा कर रहने वाले हैं और इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल से ब्यूरो चीफ मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, हिमाचल कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, कितने बजे ये होगी और इसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और किस किस पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, आज सबसे बड़ा फैसला है वो स्कूलों के खुलने को लेकर के है। यानी 26 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि अब पूरे 2 साल होने को हैं, बीच में एक बार स्कूल खोले भी गए थे लेकिन उसके बाद कई स्कूलों में बच्चे और शिक्षक दोनों ही पॉजिटिव आए थे, कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद सरकार ने अपना फैसला वापस देते हुए स्कूल एक बार पुनः जो है वो फिर से बंद किए थे। तो अब क्या स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इसको लेकर के पहले समीक्षा होगी कैबिनेट की बैठक में ही कि कितने मामले आ रहे हैं, बच्चों की तादाद कितनी है और इसके बाद ही सरकार कोई फैसला जो है वो इस बाबत ले सकती है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, सुरक्षित हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, या फिर अभी और इंतजार करना होगा। तो सबसे बड़ी खबर आज की यही रहने वाली है कि अगर खुलते हैं तो करीब 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त जो है वो हो चुका है, तो जो है वो उसके बाद इस पर जो है नजर जो है वो रहेगी। इसके अलावा कई और इम्पोर्टेंट जो है फैसले आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। मसलन कई विभागों में जिस तरह से खाली पड़े पद हैं उनको भरने की कवायद बैठक में हो सकती है। हालांकि अभी शिक्षा और पुलिस दो विभागों में जो है वो करीब 4 साल बाद जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें अनुमति मिली है और इस बाबत प्रक्रिया जो है भर्ती की वो भी शुरू हो चुकी है। तो क्या और भी नौकरियों का पिटारा जो है वो खुल सकता है, ये भी देखना होगा। साथ ही कोरोना के अलावा भी सरकार कई और फैसले जो है वो ले सकती है और कई जगहों को अगर जो स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में तब्दील करने पर भी जो है चर्चा होगी, खासतौर पर जो पंचायती इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र है। तो ऐसे कुछ तमाम पहलू हैं, एजेंडा है आज के कैबिनेट में जो कि हिस्सा रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं आज की कैबिनेट की बैठक। जी प्रीति, बिल्कुल, यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने पर आज फैसला लिया जा सकता है, जो जानकारी आपने दी है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को भी स्कूल में बुलाने का एक प्रस्ताव भेजा गया है, इस पर भी यहाँ पर मोहर लगने की किसी प्रकार की कोई संभावना? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव बनाया है उसमें 50% ऑक्युपेंसी रखी गई है। यानी अगर 50 बच्चे एक क्लास में हैं तो उसके 25 बच्चे एक दिन और 25 बच्चों का बैच जो है वो अगले दिन होगा। इसी तरीके से जो बाकी नॉर्म्स हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो करने की यहाँ पर प्रस्ताव में बातें कही गई है। तो ये अभी देखना होगा कि 5वीं से 8वीं तक के स्कूल्स को भी क्या खुलने के लिए हरी झंडी मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी चरण दर चरण जो है ये इस तरह का फैसला जो है सरकार ले सकती है। लेकिन अभी इतना जल्दी रिस्क भी शायद सरकार नहीं लेगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये शुरू से ही, शुरुआती दौर से ही कोरोना के सरकार बहुत सुरक्षित तरीके से चलना चाह रही है। तो अब देखना होगा, बच्चों की यहाँ पर बात है और ये माना जा रहा है कि अक्टूबर तक जो है ये मामले बढ़ भी सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो अब ये देखना होगा कि 9वीं से 12वीं तक ही क्या स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल जो है आज की कैबिनेट की बैठक जब तक खत्म नहीं होती। तो मोहित जी, क्या ये माना जाए कि कोरोना पर क्या स्थिति है प्रदेश में, उस पर पूरी तरह समीक्षा करने के बाद यहाँ पर इन तमाम फैसलों पर मोहर लगाई जा सकती है, जिसमें एक बसों में 100% ऑक्यूपेंसी जैसा प्रस्ताव परिवहन विभाग की तरफ से सरकार को भेजा गया था और खबरें भी आई थी कुछ दिन पहले कि मांग ये की जा रही थी, जो घाटा हो रहा है उसको वापस उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया, इस पर भी फैसला संभव है? देखिए क्योंकि HRTC ये करोड़ों रुपए का घाटा जो है वो पिछले 2 साल से और उठाना पड़ रहा है, हालांकि पहले से ही घाटे में चल रहा है कॉरपोरेशन। तो अब बसों में 100% ऑक्युपेंसी को लेकर के भी
फैसला जो है वो संभव है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि समीक्षा जो है वो होगी कि मामले अभी बढ़ तो नहीं रहे हैं, डेथ रेट जो है वो कितना है, उस पर पहले एक बार जो है वो गंभीर चर्चा होगी। उसके लिए बाकायदा प्रेजेंटेशन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी। उसके बाद से जो जो पॉसिबिलिटीज हैं जो कोरोना में ढील देने की, चाहे वो स्कूल खोलने की बात हो 9वीं से 12वीं, या फिर बसों में 100% ऑक्युपेंसी की बात हो, या फिर जो तादाद है फंक्शंस में उनको बढ़ाने की बात हो, तो ये तमाम चीजें जो हैं उसके बाद ही साफ हो पाएंगी। सरकार जब चर्चा करेगी उसके बाद, क्योंकि देखिए अगर स्कूल खुलने की बात है तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो है पूरे अपनी तैयारी के साथ गए हैं, उन्होंने पहले बैठक भी की है और उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि स्कूल जो है, उन्होंने संभावना जताई थी कि स्कूल जो है वो खोले जा सकते हैं। तो क्या इस पर सभी मंत्री जो है वो राजी होते हैं, या फिर कौन पॉइंट्स जो है वो बीच में आते हैं कि अभी नहीं खुलने चाहिए, ये सुझाव जो है वो कैबिनेट की बैठक में के दौरान जारी रहते हैं सभी की तरफ से, तो वो भी एक चर्चा का विषय। बिल्कुल, अब यहाँ पर देखना होगा कि कौन कौन से बड़े फैसले हैं जिन पर मोहर लग सकती है। मोहित जी नजर बनाए रखेगा इस खबर पर, आगे अपडेट इस पर आपसे हम लेंगे। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, कोरोना इसमें मुख्य विषय रहेगा। उस पर समीक्षा करने के बाद यहाँ पर जो कई प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, उन पर फैसला लिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल